चलिए यंस हेलो हेलो मेरे भाई हेलो चलिए कौन कौन है कौन कौन है मेरे भैया। अमित अहिर हाय सर हाय मेरे भाई हाय मेरे भाई कैसे हो कैसे हो मेरे शेर। आई एम कमिंग सर कमिंग मेरे भाई कमिंग। कैसे हैं आप लोग। मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा क्या मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा क्या मेरे भाई बताइएगा। बताइएगा मेरे भैया क्या आवाज़ क्लियर जा रहा है। दीपक पटेल साउंड क्लियर है। ओके 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 चलिए दीपक पटेल अमित और सभी लोग चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे मेरे भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबको बुला लीजिए है ना सबको बुला लीजिए। आज हम लोग का बायो क्लास है ना बायो क्लास है। आज क्या क्लास है मेरे भाई सब लोगों को पता होगा। आज क्या है बायो है क्या है बायो है क्या है बायो है ठीक है। आज हम लोग का बायो है ठीक है बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं जीव विज्ञान ठीक है जीव विज्ञान है। ठीक है ना माई सर माई बायो नहीं है कोई बात नहीं है। बायो नहीं तो जान सकते हो ना बायो के बारे में जान सकते हो ना। है आगे चल के तुमको बायो का जरूरत है। ये है हमेशा बायो करेगा काम जितना भी करेगा सब बायो करेगा। अब है तू लोग अब जितना फेरा में रहता होगा बायो के फेरा में रहता होगा तू लोग। गाना बोला कि बायो नहीं है सबसे ज्यादा तो तुम्हारे अंदर बायो भरा है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करो। चलिए सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। आज मजा आने वाला है बायो बायो बहुत मजा आने वाला चीज है। चलिए 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 एक बार वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं है अच्छा है कोई बात नहीं है। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग चलो हम लोग काम लगाएंगे आज गर्दा मचाएंगे है ना। आज हम लोग को शरीर के बारे में पढ़ना ही है ना। आगे चल के कैसे कैसे हम लोग को बायो करना है किसी के साथ किसी के ऊपर किसी के अनुभव करना है। चलो आज बायो होगा। चलिए 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 कोई बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे सब लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भैया। चलिए अर्चना ओके अर्चना चलिए एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर एंड लाइक। पायल पांडे हाँ चलिए एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए जल्दी कीजिए आप लोग। चलो बायो के चक्कर में रहता है अच्छी बात है। बायो आगे हम लोग का बायो ही करना है। चलो बायो ही पढ़ना है ठीक है ना कोई बात नहीं है मजा आएगा मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं है। बोले खेसारी लाल का एक नया सॉन्ग आया है मेरे भाई कि मुर्गा भुंजाई यारा के है ना मुर्गी ले आओ जे यार। हम भी ख्याल के फैन है
जबरदस्त फैनाई। चलिए कोई बात नहीं है, मुर्गिया ही आरा के चाहे बनारस के चाहे भंभुआ के, कोई बात नहीं है, मुर्गिया अब हमनी के इजा के बुलाए बनू अपन बुलाए के बाद 1 जनवरी के। चलिए हम लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और सब लोग लाइक कर दीजिए। पायल पांडे और अर्चना, यंश, रिशु है ना, सब लोग आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, तब हम लोग चलते हैं अपना सब्जेक्ट पर चलते हैं, है ना। चलिए मेरे तरफ से न्यू ईयर के लिए, है ना, न्यू ईयर के लिए पार्टी है मेरे तरफ से, जहां बोलोगे वहां मेरा पार्टी रहेगा, है ना, पार्टी है, जिसको लेना होगा हमसे संपर्क करेगा, मैं पार्टी दूंगा सबको, मुर्गा हम बनाएंगे, ठीक है, मैं मुर्गा का, तू लोग बनाओ एक ठीक, मुर्गा का खर्चा जो भी होगा हम मुर्गा बनाओ, पनीर बनाओ, जो भी बनाओ मैं खर्चा दूंगा, ठीक है। विद्यांशु कुमार हेलो सर, हेलो मेरे भाई, ठीक है, तू लोग मेरा भाई है, कोई बात नहीं है, मजा आएगा मेरे भैया, तू लोग को खर्चा करने में क्या दिक्कत है ना, खर्चा उसके साथ नहीं किया जाता है, गला लो के साथ, तू लोग तो मेरा भाई है, चलिए कहीं पर भी बनाओ। चलिए हम लोग क्वेश्चन का आगे करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आगे करते हैं, कोई भागेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं, माजा से पढ़ेगा, माजा से पढ़ेगा, हाँ लाइक कर दो ना, लाइक 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 कर दो। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, ध्यान ध्यान, ठीक है, धमाका हो यारा में। चलिए बहुत बढ़िया बा भाई हमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भैया, चलो क्वेश्चन आता है, सब लोग आंसर देगा, गलत सही सब लोग देगा, ठीक है। यहां आता है कि क्या है ऑपेरॉन मॉडल, क्या प्रदर्शित करता है ऑपेरॉन मॉडल, क्या प्रदर्शित करता है आप लोग बता दीजिए, बताइए, धमाका हो ही आ रहा में, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए साइलेंट बोल रहे हैं कि बी होगा, दीपक पटेल बी बोल रहे हैं, तो मेरे भैया क्या हो जाएगा ऑपेरॉन मॉडल, क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, जीन ने कार्य प्रदर्शित करता है, या जीन नियमन प्रदर्शित करता है, या जीन अभिव्यक्त करता है, या जीन संश्लेषण करता है, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया। चलिए ये बोल रहे हैं क्लीन नहीं दिखाई दे रहा, क्या सही बात है, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, क्या सही बात है, क्या सब लोग बताएंगे कि अच्छा दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, इसका आंसर हो जाएगा जीन संश्लेषण, आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 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 डी हो जाएगा, डी डी हो जाएगा मेरे भैया, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजक कर भूस्त्र पोषण बनाता है, बताइएगा बनाता है, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर का ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, है ना, यहां क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से ये चारों में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर क्या है भ्रूण पोषण बनाता है, बताइएगा कौन है जो बनाता है। चलिए निशा गुड इवनिंग मेरे भाई बहन जो भी हो, चलिए क्या हो जाएगा मेरे भैया, सभी लोग बताना है, सब लोग से बता रहा हूं मेरे भैया, दो का तीन का दे रहे हो तो तीन नंबर लिखो, चार का दे रहे हो तो चार लिखो, पांच का दे रहे हो पांच लिखो, ऐसे आंसर दो तब हमको समझ में आएगा ना भाई, क्या गलत बोल रहे हो, चलिए क्या सही बोल रहे हो, ठीक है। यहां आता है इसका आंसर बताइए, दूसरा का सब लोग का सी आ गया तो आंसर सबका सही है, द्वितीय केंद्रक, क्या हो जाएगा द्वितीय केंद्रक, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। पायल पांडे ऑप्शन डी नहीं, अरे भैया ठीक है ऑप्शन क्यों किसका डी दे रहे हो, तू लोग आंसर बता देना है, यहाँ अंक लिखना है, हम लोग अभी दो है तो दो का अगर डी देना है तो दो, अगर दो का अगर ए देना है ए, बी देना है बी, अगर सी देना है सी दो, ऐसे आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे हम क्लियर हो जाएंगे ना कि तुम किसका आंसर दे रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म में समानता पाए जाते हैं, जीवाश्म में समानता पाए जाते हैं किसमें, किसमें पाए जाते हैं, तल छठी चट्टान में या अग्नेय चट्टान में या रूपांतरित चट्टान में या दोनों, एसी दोनों किसमें पाया जाता है आप लोग बता दीजिए। चलिए बता दीजिए क्या होगा। पायल पांडे बाबू मेरे, बहन मेरे, भाई मेरे, जो भी हो आप नंबर दीजिए ना, हम तीन बोल रहे हैं तो तीन का बताइए क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर दो। तीन का होगा ए होगा, तीन का बी होगा, तीन का सी होगा और सी तीन का डी होगा, जो भी होगा मेरी बहन ऐसे आंसर दो, है ना, ऐसे आंसर चाहिए मुझे। चलिए पप्पू यादव बोल रहे हैं कि तीन का डी होगा, पप्पू यादव बोल रहे हैं कि तीन का डी होगा, और कोई बताएगा मेरे भैया तीन का, और कोई बताएगा क्या तीन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए किसी का आंसर सही नहीं है, बायो सबका खराब है, तू लोग सब बायो खराब है। इसका आंसर क्या हो जाता है, रूपांतरित चट्टान हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूपांतरित चट्टान हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पायल मुझे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा भाई, क्या नहीं आ रहा अर्चना, क्या नहीं आ रहा बाबू, क्या नहीं आ रहा, बायो नहीं आ रहा तुमको, चलिए आएगा धीरे धीरे आएगा, तुम अपने बारे में पढ़ रही है, शरीर के बारे में, पूरा शरीर के बारे में पढ़ाई हो रहा है इसमें। चलिए यहां ध्यान देंगे कि ओकालोजी, रे ओका क्या है वही, ओका जकी, ठीक है, ओका जकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं, ओका जाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं बताइएगा, डीएनए के संतत द्विगुण के समय बनता है या डीएनए के क्या है पंचमगामी सूत्र के साथ बनता है या डीएनए के असंतत द्विगुण के समय बनता है या बी और सी दोनों से बनता है, बताइए तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा भाई, मुझे आ रहा है पढ़ी हूं, अच्छा कोई बात नहीं आ रहा तो बताओ बाबू। चलिए दीपक पटेल बोल रहे हैं कि चार का ए होगा, चार का ए, यंश का भी चार का ए, तो मेरे भाई का आंसर सही है, दोनों मेरे भाई का आंसर सही है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। पप्पू यादव का भी सही आंसर है, रिशु भाई का आंसर थोड़ा डिस्टर्ब है मेरे भाई। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के एंटीबायोटिक्स बने होते हैं, मनुष्य के एंटीबायोटिक्स बने होते हैं किसके बने होते हैं आप लोग बता दीजिएगा, किसका बने होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन के बना होता है या एस्टेरॉइड के बने होते हैं या लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं या ए बी और सी दोनों, क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए पायल तीसरा का डी बोल रहे हैं बाबू, पांचवा आ गए हम लोग, पायल पांचवा आ गए शेर, तुम अभी तीसरे में मत रहो, हम लोग पांचवा आ गए, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए पांच का बोल रहे हैं, पांच का, चलिए निशा बोल रही है कि डी होगा और क्या बोलते हैं भाई अर्चना, अर्चना बी बोल रही है, चलिए यंश पांच का ए बोल रहे हैं और ऋषु कुमार पांच का बी बोल रहे हैं, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, पांच का आंसर क्या हो जाएगा, तो जिनका ए है ना उनका सही होगा, जिनका ए है ना उनका सही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे प्यारे, आंसर आप लोग का ए होगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, है ना। चलिए चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर मेरा नाम अंचल, ओ ओके ओके, अंचल 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 है भूल जाते हैं बाबू मेरे। चलिए छह नंबर देखते हैं मेरे भाई, छह नंबर क्वेश्चन आता है अंचल, ठीक है, अंचल अंचल अंचल, ठीक है, भूल जा रहा है तुम्हारा नाम। चलिए अगला क्या आता है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन जलीय पौधा नहीं है, क्या हो जाएगा, अकारिया, अकासिया, अकासिया, ट्रोपा, निलंबो या क्या है, हाइड्रिला, बताइएगा कौन है जो जलीय पौधा नहीं है, जलीय पौधा नहीं है, बताइए बताइए क्या हो जाएगा। छह नंबर, छह का आंसर दीजिए, हाँ समझ गया अर्चना नहीं है, है ना, समझ गया, अंचल नाम है, अंचल अंचल आंचल नहीं ना, आंचल माँ का आंचल, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। चलिए क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी बताइए, पप्पू यादव छह का सी बोल रहे हैं, पप्पू यादव छह का सी, चलिए यंश यादव छह का
सुंदर बहु मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रिला। हाइड्रिला यानी बोल रहा है कि जलीय जो पौधा कौन है भैया, तो इसमें जलीय पौधा कौन हो जाएगा? हाइड्रिला। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रिला। चलिए पायल पांडे पांच, बाबू तुम आगे आओ ना, तुम वीडियो को बढ़ाओ। पायल पांडे तुम्हारा वीडियो फंसा है, आगे चलो, हम लोग साथ में जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भैया, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें क्या होता है? टर्नर्स टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्न क्या है? टर्नर्स टर्नर्स टर्नर्स। चलिए सिस्टम में गुणों सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या 47। कितना होता है मेरे भैया? क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा? 44 होता है गुण सूत्रों की संख्या सिस्टम में, सिंड्रोम में 44 होता है, 45 होता है, 46 होता है या 47 होता है, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ ऋषु कुमार बोल रहे हैं कि सात का भी होगा, बी होगा। निशा बोल रही है कि सात का डी। पप्पू सी बोल रहे हैं और आंचल बोल रही है कि भैया अंचल ये बोल रही है कि सी होगा। यंश ए बोल रहे हैं सात का, और कोई मेरे भाई बताएंगे क्या? तो आंसर जाता है ऋषु कुमार का, सही आंसर जाता है ऋषु कुमार का, सही आंसर जाता है। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भैया? 45 होता है। ये गुण सूत्र होता है ये मनुष्य में गुण सूत्र कितना होता है? तो 46 होगा, यानी कि 23 जोड़ी होता है। कितना होता है भैया ये? तो 23 जोड़ी 46। ये जो 46 है ना, ये आंसर इसका नहीं है, ये टर्नर्स सिंड्रोम का बात बोल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलो तनु तनु आइए, मैं तो मैथ की स्टूडेंट हूं सर। अरे पागल बनरी, मैथ क्या है तो बायोलॉजी पढ़ो, मैथ क्या है तो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगी? आजकल सब लोग बायोलॉजी में घुसल है, तू भी घुसो उसी में। चलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई अगला क्वेश्चन? चलो सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो भाई, सब लोग करो ना। अरे भैया कर रे, तनु बोल रही है कि नहीं सर, काहे नहीं काहे नहीं, पागल कहीं का करो, लगो रहो लगे रहो। चलिए आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्या हो जाएगा? आठ नंबर देखते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे बाबू। अफीम प्राप्त होता है, अफीम प्राप्त होता है, बताइए एंट्रोपा बेलाड्रोना से या क्या है? एरिथोजाइलम कोका से या केनाविस सटाइवा से या क्या हो जाएगा? पैपेवर शोमिनी निस्फेकर से, किससे प्राप्त होता है बताइए तो। अरे आएगा, मैं तुम्हारे शरीर में बायो है ही है, पूरा दुनिया बायो के चक्कर में पड़ चुका है, बायो के चक्कर में बर्बाद हो रहा है पूरा दुनिया, और तुम मुझे समझ में नहीं आता है। अरे थुथुरा लोगों को समझ में आता है, जो बनरा कुकुरा होता है उन लोगों को समझ में आता है बायो का कहलाता है, थुथुर लोग को। तुम तो एक अच्छी लड़की हो, क्या नहीं आएगा? सबको आएगा, है ना, सबको आएगा। चलिए आठ का आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे? आठ का आंसर, लगे रहो लगे रहो। अरे भैया बायो है, बायो तो सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। जो मैथ से है ना ससुरा, वो बायो के फेरे में बर्बाद है, ट्यूशन में जाता है बायो के फेरे में, मैथ पढ़ता है लेकिन बायो को जाता है। तू बोलेगी मैं समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, गर्दा बचाना है। चलिए अभी इतना खुली हम बता रहे हैं, तभी तुमको नहीं बुझा रहा है, कैसी लड़की है भाई। चलिए क्या हो जाएगा? अफीम प्राप्त होता है, कहां से होता है, कहां से होता है भाई? तो आंसर आता है यंश का, सही आता है, और यंश का सही आंसर आता है, हाँ, और आठ का, हाँ यंश एक सही आंसर दिया है, यंस का सही आंसर आता है मेरे भैया। आंसर आ जाएगा बी नंबर, इरोथोलाइजम कोका से, इरोथोलाइजम कोका से। यानी आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे? बी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा डाउट क्लियर करेंगे, आप लोग डाउट क्लियर करेंगे। एमबी खत्म हो गया भैया, क्या करे भाई, डाल देते लेकिन मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, उसी में सब कुछ है। चलिए क्या हो जाएगा मेरे बाबू, चलिए क्या हो जाएगा मेरे शेर? अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला बताना है कि बी क्या है? लिम्फोसाइड निर्मित होता है, लिम्फोसाइड निर्मित होता है कहां से? रक्त में, क्या है लसिका में या थाइमस में या अस्थि मज्जा में, कहां बताइए, कहां पर निर्मित होता है बताइए, आंसर बताइए। क्या साफ दिखाई दे रहा, क्या वीडियो साफ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बताइएगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, मैं तो आना पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी चेंज कर लीजिए आप लोग। भैया मेरा तो साफ दिखाई दे रहा, आप लोग क्वालिटी को चेंज करो ना, कितना बढ़िया दिखा रहा। हम तो 144 पे बढ़िया दिख रहे हैं, हम 144 पे बढ़िया दिख रहे हैं। दिखा दे क्या तुम लोगों को, देखो देखो तो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। देखो मैं इसी से देख रहा हूं, कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। हिल गया, बंद हो गया, क्या हो, बंद हो गया। तुम लोग बात दिखाने में बंद हो गया, मेरा कंप्यूटर है। चलो अब तो लेटे हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हो गया ना, तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो 9 का आंसर हो जाएगा थाइमस में। यानी बोल रहा है कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, तो कहां होता है मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बहन, क्या हो जाएगा, थाइमस में। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला ओहो, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार। एक मिनट मेरे भाई, लगे रहिए, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे बनरा भाग न रे तू। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। मनुष्य में क्या है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, आप लोग बता दीजिएगा। ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, या सी नंबर होगा, या डी नंबर होगा। तब तक बताइए, तब तक मैं यहां आंसर कर लेता हूं, यहां बिगड़ गया है, थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है, आप लोग बता दीजिए जल्दी में। आजा आजा सूरत दिखा मेरे यार, चलिए क्या हो जाएगा मेरे भैया। चलिए यहां आता है, ऋषु कुमार बोल रहे हैं कि 10 का सी होगा पायल पांडे, 10 का ए, और यहां 10 का ए यंश का, पप्पू का भी है, और चंदन कुशवाहा हाय बोले। चलिए मेरे भाई, तो 10 का यहां आंसर क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 10 का आंसर अभी तक कोई सही नहीं दिया है, कोई सही नहीं दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई जो होता है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है वो क्या होती है, तो मियोसाइट होता है। क्या होता है, मियोसाइट होता है, है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरी बहन, क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि टीआई प्लाजियंड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, बताइएगा। टी आई किस में से प्राप्त होता है, बताइएगा। ए नंबर यहां होगा, बी नंबर यहां होगा, सी नंबर यहां होगा, डी नंबर। ये देखो कितना बड़ा बड़ा है, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेमियस, इसमें है बेरिलियस सबटाइटिस, और इसमें है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स या इकोली, ये इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। चलिए मनीष कुमार, हेलो भैया, लाइक कर दिए हैं, एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई, लव यू, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए लव यू।
लव यू मेरे भाई। चलिए चलिए, चंदन कुशवाहा बोल रहे हैं कि डी है, ऋषि कुमार ए बोल रहे हैं 11 का, और यंश बोल रहे हैं कि 11 का सी होगा। तो मेरे भाई अभी तक किसी ने, चलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? पायल पांडे गलत, बाबू गलत आंसर आ रहा। पप्पू, पप्पू बोल रहे हैं कि सर बी होगा, बी होगा नहीं। चलिए अंचल भी डी बोल रही है। सब 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 खत्म, सब खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। बेसिया क्या है? बेसिलस और सबटाइटिस, बेसिलस सबटाइटिस। बोल रहा है कि टी आई प्लोमेडियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो बेसिलस क्या हो जाएगा? सबटाइटिस। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन? क्या हो जाएगा मेरे भैया? आंसर क्या हो जाएगा? पप्पू यादव सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आंसर हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर देखे मेरे भैया, 12 नंबर देखते हैं मेरे शेर, क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि क्राइजिन, क्राइजिन किस फसल के बायोक्रीमी का बचाता है? क्या है? बॉल क्रीमी को बचाता है। बताइएगा क्राइजिन, क्राइजिन जो है ये जो फसल को, किस फसल के बायोक्रीमी, बॉल क्रीमी को बचाता है? बताइएगा गेहूं को, मकई को, या चाय को, या कपास को, किसको बचाता है? बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी के वजह से आप लोग का साफ नहीं दिखाई देता होगा। मेरा तो साफ दिखाई दे रहा भाई, ठीक है, मेरा तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं इतने पे दिखा रहा हूं। चलिए 12 का सी बोल रहे हैं, 12 का सी बोल रहे हो तो आंसर सही आता है, ऋषि कुमार का गलत है। यानी ये जो होता है मकई, क्या हो जाएगा भाई? ये होता है मकई, और नंबर क्या है? सी है। नंबर क्या है मेरे भाई? सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे लोग? क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं मेरे भाई, 13 नंबर देखते हैं मेरे शेर। बोल रहा है कि समापन कुट है, समापन कुट है, समापन कुट है, क्या हो जाएगा? चलिए पायल पांडे का 12 का और पप्पू यादव का सही आंसर है ना? तो क्या हो जाएगा मेरे भैया बताइए? समापन कुट है, AUG या GUG या UAA या AAA, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बता दीजिए, 13 का बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यंश यादव का आंसर सही आता है, आंसर चला गया ए नंबर। क्या होता है मेरे भाई? ए होगा। चलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अर्चना अंचल का भी सही है, पप्पू यादव का भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान देने वाली एक क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि डीएनए द्वि कुंडली होता है, डीएनए द्वि कुंडली होता है, बताइए कैसा होता है? हमेशा वृत्ताकार होता है, या समानांतर तथा पूरक होता है, या दोनों होता है, ए तथा बी दोनों होता है, या प्रति समानांतर तथा पूरक होता है, बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी मेरे भाई, है ना? जिसको बायो नहीं आया वो कोई काम का नहीं है, जिसको बायो नहीं वो कोई काम का नहीं। चलिए हरे 14 का क्या हो जाएगा? चलिए 14 का साइलेंट का गलत है और ऋषि कुमार का सही आंसर आता है, ऋषि कुमार का सही आंसर आता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो समानांतर तथा पूरक होता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू? आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर? तो आंसर हो जाएगा पायल पांडे, आंसर हो जाएगा मेरे बाबू बी हो जाएगा। चलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 देखिएगा, हुचकी आ रहा है, क्या बात है आज दादा, हुचकी आ रहा है। चलो बोल रहा है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? बताइएगा राइबोसोम, लॉजिकाय या नहीं गोजिकाय, या सेंट्रोसोम, या माइक्रोकॉन्ड्रिया? आंसर क्या हो जाएगा? 15 के पूरे पानी पीजिए, पानी पिए, अच्छा पानी पीने से ठीक हो जाएगा? कौन कौन जानता है कि पानी पीने से ठीक हो जाता है?
चलिए क्या हो जाएगा, 15 का बताइए, 15 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 15 का आंसर क्या हो जाए भाई, अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? अरे भैया हई होला भाई, रोमोसोम होला, हई होला तकावन ना हुई, हई माइटोकॉन्ड्रिया ई बनरा अंखिया में होला नो, कहाँ होला माइटोकॉन्ड्रिया, ये जहाज है। पायल पांडे का सही आंसर है, पायल पांडे का सही आंसर आता है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, थैंक यू लव यू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे भैया, यहां बोल रहा है कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है, ध्यान देना है कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, बताइएगा, आरएनए पॉलीमरेज या दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज या तीसरा है हेलिकेस और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज 3, यहां 3 है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, क्या हो जाएगा मेरे से, 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर देके आंसर दो दीपक भाई, दीपक कुमार आंसर। चलिए 16 का भी बोल रहे हो, चलिए यहां बोल रहे हैं दीपक कुमार 16 का भी, यंश बोल रहे हैं कि भी होगा 16 का, तो आंसर सही जाता है भाई दीपक का और या अंश का, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू लोग, मेरे शेर लोग, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्लियर है आप लोग, क्लियर होंगे आप लोग। चलिए पायल पांडे सही आंसर बाबू, नहीं पायल पांडे सीधी हो ना, गलत है, आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, है ना, ध्यान दो, डाउट क्लियर करना है, पप्पू यादव का सही आंसर है ना, हाँ ये लगता है मुझे, इतना विश्वास है कि यहां तू लोग हो ना, यहां यानी कि 100% में तू लोग का अभी 20% आंसर सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, और 80% क्या हो रहा है भाई, 80% गलत हो रहा है, सबका सबका है, इसमें एक और दुगो नहीं है, सबका है, तो आप लोग इसमें लगे रहिए, है ना, इसको रिवाइज करते रहिएगा, और मेरे भैया ये मामूली नहीं है, ये बिहार बोर्ड का दिया हुआ क्वेश्चन है, जो एनिमल होता है जो छोड़ता है ये बिहार बोर्ड से, जो वो वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, और हाँ गलत सही जो मन में है ना, आदमी कहता है कि बात करने से मन हल्का होता है ना, सब कोई जानता है बात करने से क्या होता है, मन हल्का होता है, 12 क्लास में है ये चैप्टर में, कि बात करने से मन कैसा हो जाता है ना, हल्का हो जाता है ना, तो मेरे भाई आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग आंसर देंगे अगर गलत मन में होगा तो कम से वो तो डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना, गलत होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर मन में रखे हैं नहीं बता रहे हैं तो वही गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात, तो इसलिए तुम लोग गलत हो या सही हो आंसर सब लोग दो, सब लोग आंसर देगा भाई, है ना, डाउट क्लियर हो जाएगा, इतना गारंटी है। चलिए तो आंसर यहां मिल गया ना, 16 का आंसर मिल गया ना, क्या होगा, तो हाँ 16 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डीएनए पॉलीरेंज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कीटो तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं, जो बताओ जो कीट होता है ना, कीट अरे पिलुआ फितिंगा, तो पिलुआ फितिंगा के जो पैर होते हैं है ना, सॉरी पंख जो होते हैं है ना, वो क्या कहलाता है, पंख क्या कहलाते हैं, कीटों और पंखियों के पंख क्या कहलाता है, जो उड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। दीपक कुमार बोल रहे हैं कि 17 का बी होगा, और अंकुर बोल रहे हैं कि 17 का बी होगा, आप लोग भी बता दीजिए क्या हो जाएगा 17 का। पायल पांडे 17 का भी, चलिए और कोई आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए भाई, सब लोग आंसर दीजिए, और जो जो वीडियो में नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और सब लोग आंसर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कीट पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो पंख क्या कहलाता है, वो पंख क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा, तो पंख क्या कहलाता है ना, तो मेरे भाई मेरे बाबू वो जो पंख होता है ना संयोजी अंग कहलाता है, और ना ही समजात अंग कहलाता है, और ना ही असमजात कहलाता है, तो मेरे भाई क्या कहलाएगा, अवशोषी।
क्योंकि भाई वो अपने लिए सोता है, अपने लिए करता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? क्लियर होंगे आप लोग? मुझे विश्वास है ना। चलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 आप लोग देखेंगे, 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे भाई, बोल रहा है कि रिलैक्सिन का स्राव होता है। बताइएगा रिलैक्सिन का स्राव कहां से होता है? अपरा से होता है ना, या थायराइड ग्रंथि से होता है, या ए बी दोनों से होता है, या क्या है कॉर्पस ल्यूटियम से होता है? बताइएगा ये कहां से होता है? बताइए कहां से होगा मेरे भाई? कहां से होता है? कहां से होता है बताइए आंसर। पायल पांडे बोल रहे 18 का डी होगा, और यहां बोल रहे हैं यंश बोल रहे हैं कि 18 का बी होगा। चलिए तो 18 का ना बी होगा ना डी होगा, और ना बी होगा यहां होगा सी होगा। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों से होता है। किससे होता है भाई? तो ए और बी दोनों से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? पप्पू यादव का आंसर सही आता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा मेरा शेर, आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे भैया, 19 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, है ना। शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है बताइएगा? लाइकेन, मॉस, या सक्रिय पौधे या पेड़, कौन हो जाएगा बताइएगा? नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है अंचल? क्या नहीं आ रहा बाबू? क्या नहीं आ रहा बहन बताओ तो? पायल फिर भी देखो। अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू। आएगा। अरे भैया आएगा क्यों नहीं, देखते रहो आएगा, है ना। साला हम लोग का गंदा चीज तब दे एक्शन ले लेते हैं, गंदा चीज कितना एक्टिव करता है ससुरा। हम लोग का जो दिमागवा है ना, गंदा चीज पर बहुत अटैक करता है ना, लेकिन बढ़िया चीज पर अटैक नहीं करता है, जैसा इसका है ना। तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका बात है, अच्छा चीज किसी को नहीं है, जल्दी याद होता है ना। अच्छा चीज जल्दी नहीं याद होता है मेरे भाई। ओके को हम जानते हैं कलम से बताई थी कि अंचल सर मैं मैथ की हूं, तो मैं इसको बरियारी बुलाया हूं। हम बोले थे कि ना तू लोग को आना है, तो आई है। मैं इसको बरियारी बुलाया हूं, कोई बात नहीं है भाई। जो जो मैथ क्या है ना, मैं एक के बात बोला ना कि बायोलॉजी सब लोग को जरूरी है, सब लोग को जरूरी है ना, तो ससुरा ठग देगा डॉक्टर, है ना, कह देगा ना कि किडनी खराब है। का दर्द करेगा, कह देगा कि का खराब है, समझ रहे ना। सबको जरूरत है, सबको। चलिए भाई दीपक पटेल बोल रहे हैं कि जी सर, तो बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? तो बोल रहा है कि शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, तो यहां होता है ना सक्रिय पौधे। क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग? क्या हो जाएगा? सक्रिय पौधे। बायो वाले भी मैथ में आ सकते हैं सर? हाँ आ सकते हैं। कोई बात नहीं, आ सकते हैं। अरे जोड़ घटाव करने कहां जाएगी, जिसको पैसे गिनने के दे दिया जाएगा कहां जाएगा? एक बात जान लो, यहां तो मतलब नहीं होना होता है। देखते हैं कि जो मैथ लेता है ना, चाहे जो बायो लेता है ना भाई मेरी बहन, तो जो मैथ लेता है एक्स्ट्रा में बायो ले लेता है, कोई छोड़ देता है, और लेकिन जो बायो लिया है वो भी मैथ ले सकता है। कोई कोई लेता है, कोई कोई नहीं लेता है ना। अब लेकिन लेना चाहिए, ये अच्छा रहता है, आगे चल के बहुत अच्छा होना होता है ना। चलिए तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? पप्पू यादव भी बोल रहे हैं 19 का, और ऋषु कुमार भी, और भाई तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये लगता है कि सबका सही हो सकता है। जल का भारी धातु प्रदूषण कौन सा है? जल का
रहा है कि सबका सही हो जाएगा। सर पायल मेरे स्कूल में पढ़ती है। अच्छा तुम्हारा स्कूल है या तुम लोग एक साथ में पढ़ती हो? अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए क्या है भाई, चलो दोस्त है, भाई है, बहन है, मेरी भी बहन है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अंचल आ रहा होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ सबको आना चाहिए, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, इसलिए मैं बोला। अच्छा इसका स्कूल है, हम भी आएंगे पढ़ाने, एंट्री दो वहां पे, सिलेक्शन कराओ मेरा, हम भी आएंगे पढ़ाने वहां पे। क्या हो जाएगा भाई बताइए, यहां बोल रहा है कि जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा बीस का? तो मेरे भाई कोई नहीं दे रहा, क्या खाली बात कर रहे हो तू लोग, बात मत करो। हाँ अच्छी बात है, एक साथ पढ़ना अच्छी बात है, हम हमको भी एंट्री दो, बोलो उनको हम भी पढ़ाएंगे। चलिए क्या हो जाएगा भाई, एक साथ पढ़ती हो तो तुम्हारा स्कूल नहीं है, तब मत बोलना। क्या हो जाएगा तो मैं आंसर देता हूं इसका, हो जाएगा फास्फोरस। यहां जल की भारी धातु जो प्रदूषक होता है तो ये कौन सा होता है भाई, तो फास्फोरस होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, हाँ पायल पप्पू और अरे क्या है अंचल, ये सबका आंसर सही है, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन आता है, यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां देने वाली बात है कि अंडोत्सर्ग होता है, बताइए ये कहां पर होता है? अंडोत्सर्ग होता है कहां पर होता है? अपरा में होता है, लगभग 14 दिन में होता है, या अंडाशय में होता है, या ये दोनों यानी बी और सी दोनों में, दोनों बताइए किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा बताइए? अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग मानी अंडा का जो संख्या होता है ना शरीर में, कहां पर होता है ये ज्यादा चीज किसमें होता है, ये किसमें होता है तो स्त्री में है ना, ना इसमें ज्यादा होता है, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग इसमें ज्यादा होता है। तो अंडा का धारण कहां पर होता है जल्दी बताइए। चलिए पायल यहां आता है, चलिए क्या हो जाएगा, 21 सभी आ रहे हो क्या, 21 से है, हाँ ठीक है, 21 बोल रहा है भाई, 21 का बी, आंचल बी बोल रही है, दीपक बी बोल रहे हैं, पायल डी बोल रही है, और पप्पू यादव बी बोल रहे हैं, दीपक कुमार बी बोल रहे हैं 21 का। तो 21 का आंसर किसका सही है भाई, तो इसमें 21 का आंसर आता है किसी का नहीं किसी का नहीं, आंसर आ जाएगा लगभग 14 दिन। अंडाशय का सुविधा कब बनता है, 14 दिन के बाद होता है ना, यानी ये 14 दिन के बाद होता है, ठीक है ना। किसी का अगर यहाँ पे हम लोग खुलियाम बात करते हैं, है ना, तो खुलियाम हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, कोई शर्माएगा नहीं, यहाँ पे जो स्त्री जाति का जो मासिक होता है ना, मासिक जो होता है वो लगभग 14 दिन के बाद फ्रेश होता है, और उसमें 14 दिन के बाद ही अंडाशय को आश्रित होता है, और अंडाशय से कुछ आगे प्रगति होता है ना, ये 14 दिन के बाद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 14 यानी सी हो जाएगा, 14 दिन तक कोई भी पहले अग्रति होता है, संबंध होता है, तो इसमें कोई भी अंडाशय नहीं बन पाएगा, ठीक है, और 14 दिन के बाद ही होता है, ठीक है। चलिए अगला बात बोल रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये जीके से आ गया, यार ध्यान देनी है, गुजरात है, राजस्थान है, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं ये वाला क्वालिटी चेंज कर देता हूं, है ना, सबको दिखाई देगा, चलो है ना, सबको दिखाई देगा, मैं हम नहीं दिखाई देंगे, सबको दिखाई देगा, 22 का ए बोल रही हो। चलिए तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें दिखाई दे रहा ना, हम नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा सा लाइट देख लेते हैं, कम कर देते हैं, लाइट कम है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा क्या है, तो ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर क्या हो
जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोल रहा है कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होता है, बताइएगा मनुष्य का लिंग गुणसूत्र होता है, मनुष्य का बताइएगा कौन सा गुणसूत्र होता है। यह तो किसी को बताने का जरूरत नहीं होगा, एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा या ए ए होगा या ए सी दोनों होगा, बताइए तो क्या हो जाएगा। मनुष्य का, मनुष्य याद रखना, चलिए हाँ चल बोल रही है, दो गो आंसर दिए पागल 23 है, हाँ 23 है, ठीक है ठीक है। 23 क्या बोल रही है कि ए होगा, पप्पू यादव सी बोल रहे हैं, नेहा कुमारी डी बोल रही है और पायल पांडे बोल रही है कि सी होगा और अनुराधा द्विवेदी बोल रही है कि डी होगा, है ना, सॉरी। तो इसमें आता है आंसर बोल रही है कि डी होगा। तो मेरे भाई ये पहले जान जाओ कि ये जो होता है ना एक्स एक्स किसमें होता है, तो ये स्त्री में होता है, और एक्स वाई किसमें होता है, तो ये पुरुष में होता है। तो इसमें पूछा क्या है, मनुष्य, दोनों मनुष्य है, ये दोनों मनुष्य भाई, ये दोनों मनुष्य है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया बात को, बताने लायक तो नहीं होगा, ये दोनों मनुष्य है, ये दोनों, किसी को बताने का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये पहले जान लो, जो एक्स एक्स होता है ये स्त्री का होता है गुणसूत्र, और यहाँ एक्स वाई जो होता है ये पुरुष का होता है। और क्या पूछा है ना, मनुष्य पूछा है, ना स्त्रीलिंग पूछा है ना पुलिंग पूछा है, यह साफ बताया कि मनुष्य में, तो भाई ये दोनों गुणसूत्र होता है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ, यहां जो उस समय आंसर सही था उसमें सही था नेहा कुमारी का, नेहा कुमारी सही बोली थी। चलिए यहां आता है कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है, खंडित जीन है या प्योन्स है या ट्रांसपोसोन है या इंट्रॉन है, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी बताइए क्या होगा। जिंदगी की राहों में हर जो गम को झेले हैं। चलिए पायल पांडे 24 का ए बोल रही है, और कोई बताएगा, पायल पांडे एक काम करना तुम कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना, और यहां अंचल भी वो ए बोल रही है, नहीं होगा आंसर, नहीं होगा ये तो हुई भी नहीं करेगा। चलिए तो ऋषु कुमार का आंसर भी आता है ना, तो आंसर ऋषु कुमार का आंसर सही आता है, ट्रांसपोशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है आंसर बी हो जाएगा। रवि कुमार हेलो भाई। चलिए तो पप्पू यादव का भी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आता है कि पेरिपेटॉन्स संयोजक कड़ी है, बताइएगा ऑर्थोपोडा एवं क्या है एनेलिडा के बीच, या फेरी क्या है पोरीफेरा तथा सिलेंटिंट्रा के बीच, या मोलस्का तथा इक्नोस के बीच, या सुरिस्प्री तथा एविस के बीच, बताइएगा। पेरिपेटॉन्स पी लेते हैं थोड़ा जीने वाला चेस, का हालवा भाई लोग। रवि कुमार भाई लोग कहिला समझ पूछे भाई चलिए चलिए आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, यहां ध्यान दो मेरे भाई, आज हम 35 क्वेश्चन कराऊंगा, आज मैं 35 क्वेश्चन कराऊंगा, और 10 क्वेश्चन है रुक जाओ 10 क्वेश्चन के बाद चले जाना, ठीक है। आज 35 क्वेश्चन होगा, कल 35, इसमें बायोलॉजी में क्वेश्चन कितना है भाई, तो 70 क्वेश्चन है ना, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो ये 70 नंबर है, 70 में से आज मैं 35 करूंगा और कल मैं 35 कर दूंगा, ठीक है, ये 35 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना।
कोई बात ये नहीं हो रहा तो हम सही कर रहे हैं ना। अरे पागला कितना शर्मिली है रे, कितना शर्मिली है तुम। निशा कहाँ चली जाती हो बाबू, निभा निशा कहाँ चली जाती है, तुम्हारा बायो है ना निशा, तुम्हारा बायो है ना। चलिए तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 25 का आंसर हो जाएगा, तो आंसर किसी का सही नहीं है, आंसर हो जाएगा मुस्काता था इन काइनो, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 25 का। चलिए कोई बात नहीं है, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए भाई। चलिए बोल रहा है हुगोडियो वारिस ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया था भाई, बोल रहा है कि हुगो डिडियस ये एक विज्ञानी का नाम है, उसने क्या प्रस्तावित किया था, क्या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या उत्परिवर्तन का सिद्धांत, या प्रभाविता का नियम, या पृथक्करण का नियम, बताइएगा क्या किया था वो, क्या हो जाएगा भाई। चलिए पप्पू यादव बोलेंगे 26 का सी होगा, 26 का सी नहीं गलत, आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उसने किया था, क्या किया था भाई, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हाँ ठीक है अंचल सही मार रही है, आंसर बोले क्या ही नहीं रहा है। चलो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक हिरुडीन निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, बताइएगा ये जो ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक हिरुडीन ये किससे प्राप्त होता है, आलू से, टमाटर से, ब्रसिका नेपोस से, या ओसिम सेंकेट से, बताइएगा किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, 27 नंबर आंसर बताइए किससे प्राप्त होता है। तो भैया ट्रांसजेनिक हिरुडीन जो है ये किससे प्राप्त होगा, आलू से होता है, आलू से होता है तो आलू से नहीं होता है, नहीं होता है आलू से, आलू से नहीं होता है, टमाटर से नहीं होता है, टमाटर से भी नहीं होता है। अब जाता है इसमें ये भी नहीं होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं आएगा 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 आएगा, सही है सही है, ऐसा सही है, मेरा मेरा नकल कर रही हो चलो दिल के साफ हो, सच्चाई बता दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बाबू। चलिए बोल रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिट क्या है, हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है, ये बोल रहा है कि ये जो नाम है ना ससुरा, ये एक रोग का रोग है, और ये किस रोग का नाम है, बताइए किस बीमारी का जनक है, जनक ओहो जनक है भाई सॉरी जनक है, ये बीमारी का जनक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, अमीबिया सिस का, या टाइप फोवाइड का, या चिकन पॉक्स का, या टिटनस का, ये किस ये जो है ना एट अमीबा हिस्टोलिका जो है ये किस बीमारी का जनक है, बताइएगा ये किस बीमारी का जनक है, ये बताइए 28 का चलिए अच्छी बात है, पायल बोल रहे हैं कि आंचल तो मैथ के होके सही आंसर दे रही है, अच्छी बात है 28 का। चलिए 28 का किसका किसका डी है, अरे फिर सही मारी आंसर, बोल रहे कि हमको आईवे नहीं कर रहा है, आंचल का सही आंसर है चिकन पॉक्स का ये ज्यादा क्या खाती है, चिकन चिकन ज्यादा खाती होगी इसलिए इसको याद है, आंसर सही है 28 का आंसर डी हो जाएगा, 28 का आंसर डी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी नकल तो नहीं की है ना, अभी तो बताए नहीं थे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक परितांत्रिक के ये दो घटक हैं, बताइए एक परितांत्रिक के दो घटक कौन कौन से हैं, ऊर्जा प्रवाह और खनिज, पादप तथा जंतु, या अजैविक तथा जैविक, या बी और सी आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए क्या हो जाएगा, सब लड़कियां कहती है कि चिकन नहीं खाती हूं, अब एक और बात है, तुम ये कहेगी कि दो रोटी से ज्यादा भी नहीं खाती हूं, दो रोटी से ज्यादा नहीं खाती होगी,
लड़की लोग का पहला नंबर ये केस आता है कि सर मीट मछली अंडा नहीं खाती हूँ और दो रोटी से ज्यादा नहीं खाती हूँ। बताओ तो तुम क्या चार रोटी खाती हो? दूध से तुम भी बोलेगी नहीं खाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बहन है, कोई बात नहीं, हम लोग हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा इसका बताइए, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नेहा नेहा मैं चार खाती हूँ। अरे तू तो ऐसा ही हॉटी है, तू तो दू को सिर्फ खाई में नहीं करेगी ज्यादा। हाँ बोलती नहीं है, तुम भी बोल रही थी, याद रखो, तुम भी याद रखो बोलती थी। अच्छा अच्छा सॉरी 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 कोई बात नहीं है। चल बोलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग भाई बहन है बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बाबू, सॉरी। चलिए पायल पांडे 29 का सी बोल रही है। चलिए और क्या होगा? तो 29 का पायल पांडे का आंसर सही आता है, है ना? आंसर पायल पांडे का सही आंसर है, यानी क्या हो जाएगा? जैविक, अजैविक और जैविक दोनों होता है, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? अजैविक, अजैविक और क्या हो जाएगा? जैविक, जैविक। ठीक है, ये नंबर सी है और सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं। प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? प्रजनन जिनमें युग्मक विलयन नहीं होता वह क्या कहलाता है? आप लोग बता दीजिए क्या होता है, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। प्रजनन किसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा जिनमें विलयन नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा? परिजातिक प्रजनन या अनिवेशक प्रजनन या असंग संगजनन प्रजनन या दिक् निषेचन क्या कहलाएगा? चलिए निभा बोल रही है कि सर ए होगा। अच्छा 30 का ए बोल रही है निभा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी आंसर का आंसर सही आता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। पायल का गलत है, आंचल का सही है। चलिए और पप्पू यादव का भी सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला है कि सुपोषण इनमें पाया जाता है, सुपोषण इनमें से पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पर्वतों पर, क्या है लौण मृदा पर, या कृषि योग्य भूमि में, या झील में? बताइए किसमें सुपोषण किसमें पाया जाता है, सुपोषण किसमें पाया जाता है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, कैसे बताऊं तुझको। चलिए क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिए ना, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए निशा निभा बोल रही है कि भैया आपका 31 का सी होगा और आंचल बोल रही है कि बी होगा 31 का। तो मेरे भाई यहाँ निशा का आंसर सही जाता है, ये लवण मृदा पर होता है, ये आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो सी हो जाएगा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात है, बताइएगा इनमें से कौन सा अनुपात हो जाएगा? फेनोटाइपिक अनुपात कौन सा हो जाएगा? चलिए चलिए क्या हो जाएगा भाई? जल्दी जल्दी, और क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, जल्दी कर लिया जाए, जल्दी कर लिया बाबू। चलिए
निशा बोल रही है बाबू कि सर 32 का डी होगा, बाबू 32 का डी बोल रही है, और कोई बताएगा क्या क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। अरे तू लोग, अरे बन रही तू लोग बात करना कर रही है, पायल और आंचल बात मत करो। चलिए अब निशा का आंसर सही आता है, निशा अब तुम्हारा आंसर जाके सही हो गया, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उस समय तुम्हारा गलत था बाबू, ठीक है आंसर सी होगा। चलिए सही है अगला क्वेश्चन, 33 नंबर हम लोग देखते हैं, किस पौधे का किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, हाँ कौन ऐसा पौधा है जिससे जड़ से नया पौधा निकलता है, वो बात क्वेश्चन है, बताइएगा कौन, यानी किस पौधे से जड़ का, जड़ नए पौधे का जन्म देता है, बताइए गुलमोहर या क्या है, दला क्या है, दहलिया, दहलिया या नीम या पिटूनिया, बताइएगा पिटूनिया क्या आंसर हो जाएगा, किस पौधे का जड़ नए पौधे का जन्म देता है, बताइए 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आंसर क्या हो जाएगा। सर मेरा भी सही है, हाँ ठीक है सही था, हाँ पढ़े हैं 32 का सी, तुम्हारा भी सही है, आओ चारों ऑप्शन दिए बनरी, वो बनरी अरे क्या कर रहे है तुम बनर, चलिए 33 का आंसर नहीं, ये गुलमोहर है ना, ये इसका बीज होता है, इसका बीज होता है, नीम का भी बीज होता है, नीम का भी बीज होता है ना, आप बताओ अब क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दहलिया, दहलिया जो होता है ना, इसका जो ये पौधा इसका जड़ होता है ना, जड़ से निकल जाता है, मान लो यहाँ ये पौधा है, यहाँ ये सब जमीन है, धरातल है, और इसका सुर निकलेगा तो यहाँ सुर आएगा ना, यहाँ से भी पेड़ पौधा निकल जाएगा, यहाँ भी सुर है, यहाँ से भी निकल जाता है ना। इसमें जैसे क्या आता है, शीशम का नाम सुनी है, शीशम आ जाएगा, केला का भी डाल आ जाएगा, केला केला इसमें भी आ जाता है ना केला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर 33 का सी। चलिए 34 का क्या हो जाएगा, 34 का आंसर क्या हो जाएगा भाई चलिए, अतः कवक मूल्य का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, अतः कवक मूल्य का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, बताइएगा ग्लोसम क्या है, नोस्टम या साइजोबियम या एगोरियस क्या है भाई, एगोरिकस, एगोरिकस क्या हो जाएगा, 33-34 के आंसर बताइए। अतः कवक मूल्य का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, कवक मूल्य का, कवक मूल्य का कौन सा उदाहरण है, कवक मूल्य का कौन सा उदाहरण है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 34 का आंसर आ जाएगा, आंचल का आंसर सही आता है, एगोरिकस, एगोरिकस आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एगोरिकस, ठीक है एगोरिकस हो जाएगा बाबू, ठीक है ठीक है। निभा थोड़ा ध्यान दो बाबू, पप्पू यादव का भी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। चलिए आता है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, बता दीजिए क्या होगा अम्लीय वर्षा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ऑटोमोबाइल प्रदूषण या कीटनाशक प्रदूषण, बताइए अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है ना, क्या हो जाएगा। निभा मेरी बहन बोल रही है कि 35 का बी होगा, 35 का बी बोल रही है, अरे पागल, अम्लीय वर्षा, वर्षा का बात हो रहा है, वर्षा का बात होगा तो यहां जल प्रदूषण तो नहीं होगा, वर्षा का बात कर रहा है, वर्षा का बात हो रहा है ना, तो वर्षा का बात हो रहा है तो ऑटोमोबाइल भी नहीं होगा, मोबाइल से बुनी बुनी नहीं हो जाए, बरसात हो जाए, कीटनाशक से ऐसी हो जाए, कीटनाशक से क्या होता है, कीटनाशक से कोई पौधा खराब होता है, ऐसे हो जाएगा है, बताइए क्या हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, वायु जब हम लोग का प्रदूषण होगा तो अम्लीय वर्षा पर प्रभाव पड़ता है ना, अम्लीय वर्षा पर क्या होगा, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। निशा का भी ठीक है और आंचल का भी ठीक है, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग का यहां से समाप्त करेंगे आज का समाप्त।
समाप्त करेंगे बाबू, समाप्त करेंगे मेरे भाई, समाप्त करेंगे मेरे बहन, है ना। चलिए चलिए यहां से हम लोग का आज का वीडियो समाप्त हुआ, ठीक है। हम लोग फिर जुड़ेंगे कल जुड़ेंगे और कल और 35 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए सब लोग राधे राधे बोलिए और फिर निकलिए। सर 35 भी हो गया, 35 हाँ 35 था, 35 है, आज समाप्त करते हैं। 35 तक करना था, कल से 36 करेंगे, ठीक है। इंजॉय करो, इंजॉय। ए बाबू मेरे भाई मेरे बहन, जो जो भी हैं वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, है ना, तब आएंगे तुम्हारे घर। नहीं आएगी तब तुम्हारे घर आके मुंह आएंगे, तुम्हारे घर आके मुंह आएंगे तुमको। कल नहीं आएगी तो निभा कहां से हो बाबू, तुम निभा कहां से हो, तुम बताओ तो बाबू। अरे भाई तो गलत होता तो याद तो हो जाता ना पीछे से। अरे कैसी बानर है भाई, कोई बात नहीं है। चलिए तुम्हारी दोस्त चली गई क्या, जो जो है। चलिए सब लोग राधे राधे लिखिए एक बार और हम लोग चला जाए, राधे राधे करिए और चला जाए। बिहार में कहां से बाबू, मैं तो बिहार से हूं। बिहार में शहर का नाम बताओ, बाजार का नाम बताओ, बाजार का। बिहार में मैं भी हूं। चलिए कोई बात नहीं है, हम आएंगे नहीं तुम लोग को घर, नहीं आएंगे, चिंता मत करो, हम तुम लोग को घर नहीं आए, नहीं आएंगे। बोलिए सब्सक्राइब कर दिए हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तिकारी 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 बैक, नहीं जानते हैं, नहीं जानते बाबू। चलिए क्योंकि मत करना, बोलिए कि कहा कि मत करना, तू भी मत करना, मत करना। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है मेरे भाई, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए राधे राधे सबको, सब लोग राधे राधे बोलिए, बात करने में टाइम बीत जाएगा, है ना। चलो फिर हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए निभा निशा माए बेर मेर, सब लोग राधे राधे बोलिए, सब लोग निकलिए, सब लोग राधे राधे। जो राधे राधे नहीं बोलेंगे उसके हाथ में खुजली होगा, खुजली। खुजली कब होगा, चलो जल्दी करो मेरे भाई, चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए राधे राधे। चलिए मेरे भाई, बहुत चलिए चला जाए, राधे राधे। मैं देख रहा हूं कौन कौन राधे लिख रहा है, कौन कौन लिख रहा है। राधे राधे सर, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे। अच्छा सिवान से हो, ओके ओके, आऊंगा तुम्हारे गांव एक दिन, सिवान जिला घूमने। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, बोलते रहिए निकलते रहिए, बोलते रहिए निकलते रहिए। चलिए 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 मेरे भाई, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए राधे राधे सबके लिए, राधे राधे सबके, सबका रात शुभ हो, है ना। चलिए एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। घर कटिए कटिए और कहाँ जाएगी, है ना, एकदम आएंगे, आएंगे निशा, आएंगे आएंगे बाबू, उधर आएंगे, हमको टाइम नहीं मिलता है, आ जाएंगे तो जरूर आएंगे, आ जाएंगे भाई। चलिए चलिए निशा निभा, तुम भी एक भाई के लिए कष्ट करना। कष्ट क्या करना है, अपने दोस्तों को जुड़ाना। अपने कोचिंग में जाएगी, चाहे स्कूल में जाएगी, चाहे अगल बगल जितने भी भाई बहन होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने जो भी होंगे उसको भेज देना कि सर का, मेरा सर का चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करा देना मेरी बहन, ठीक है, हो जाएगा ना, कर दोगी ना। हाँ सब लोग करेगा, ये भी करेगी, सब लोग करेगा, ठीक है, सब लोग मेरे भाई बहन करेंगे, ठीक है। सपोर्ट करो भाई का, मैं तू लोग का सपोर्ट करूंगा, ठीक है। हाँ तुम एक लाई है, थैंक यू, लव यू मेरी बहन, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग। अरे बढ़ते जा रहा भाई, हम कम करने के फिरा, मैं तू लोग बढ़ते जा रही है, ठीक है। हाँ हाँ लाई हो, लाई हो, लाई हो। चलिए फिर मिलेंगे, कल बात होगा, कल बात होगा। अरे वीडियो मेरा लंबा जा रहा है, कोई देखबो नहीं करेगा ज्यादा लंबा होगा तो। ओके ओके ओके।
चलिए सब लोग निकलिए। मेरे वीडियो लंबा हो रहा है तुम लोग से बात करने में। चलिए बाय 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 बाय, निकलो 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 निकलो। चलिए हम निकल जाते हैं, तू लोग नहीं निकलेगी तो हम निकल जाएंगे। और तुम जुड़ाओ, और तुम जुड़ाएगी अंशल, तुम और दोस्तों को जुड़ाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है, राधे राधे सबके लिए, राधे राधे भगवान, सबका रात्रि शुभ हो। मेरे अपने भी आए।